कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC की पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज हम महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। महिला पर्यवेक्षक की खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती की वैकेंसी आई हुई है, जिसके सिलेबस में एक टॉपिक है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजना एवं कार्यक्रम। आज की इस एक वीडियो लेक्चर में हम महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सभी योजना एवं कार्यक्रम को एक ही वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस का हिस्सा है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजना एवं कार्यक्रम। ठीक है, देखिए आज का जो वीडियो लेक्चर है ये महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 का एक सार है। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा हर साल एक रिपोर्ट, एक प्रशासनिक प्रतिवेदन जारी किया जाता है। अभी सबसे लेटेस्ट जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है वो है प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23। तो आज के वीडियो लेक्चर में जो भी डाटा उठाए गए हैं ये महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 से लिया गया है और यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो आपका महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित जो योजना और कार्यक्रम आपको पढ़ना है ना, आपको इसी प्रशासनिक प्रतिवेदन से ही कवर करना है। ठीक है, देखिए CGPSC ई पाठशाला के द्वारा महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। ये टेस्ट 18 जुलाई 2023 से शुरू होने वाला है, जिसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। जो भी अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो CGPSC ई पाठशाला मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 18 जुलाई 2023 से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 ये है क्या, ध्यान समझना। एक योजना है जिसका नाम है एकीकृत बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि वर्ष 1975 में लाया गया था। अगर साधारण शब्दों में हम बात करें तो इस एकीकृत बाल विकास योजना के माध्यम से ही आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की शुरुआत हुई थी। जो आंगनबाड़ी केंद्र जो संचालित है पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में, इन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की शुरुआत इसी एकीकृत बाल विकास योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 के तहत ही हुई थी। और दूसरी योजना है राष्ट्रीय पोषण मिशन, पूरक पोषण पदार्थ, राष्ट्रीय पोषण मिशन, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। वर्ष 2018 में यह राष्ट्रीय पोषण मिशन लाया गया। इन दोनों योजनाओं को समावेशित करके, पुनर्गठन करके एक नई योजना लाई गई वर्ष 2022 में, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। ठीक है, सक्षम आंगनबाड़ी, यहां पे सक्षम आंगनबाड़ी क्यों है, एकीकृत बाल विकास योजना 1975 के माध्यम से पूरे भारत भर में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना हुई। राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी कि यह क्या है, यह पोषण। तो सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, जिसमें एकीकृत बाल विकास योजना और प्रधानमंत्री ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, राष्ट्रीय पोषण मिशन, दोनों को समावेशित करके, पुनर्गठन करके सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 की स्थापना की गई। इसका पुनर्गठन 1 अगस्त 2022 को किया गया और यह 5 साल के लिए लागू होगा। 5 साल के लिए यानी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2026-27 तक इस सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके 3 प्रमुख घटक है। देखिए पहला है किशोरी बालिकाओं के लिए पोषण सहायता, किशोरी बालिकाओं के लिए पोषण सहायता। दूसरा स्कूल पूर्व शिक्षा व देखभाल 3 से 6 साल के बच्चों का और प्रारंभिक प्रोत्साहन 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों का। यहां पे जो स्कूल पूर्व शिक्षा की बात की जा रही है यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है स्कूल के पहले, उसकी बात की जा रही है। और तीसरा है आधुनिक उन्नत या सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का बुनियादी ढांचा प्रदान करना। ठीक, ये इसके 3 प्रमुख घटक है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत
कुल कितने घटक शामिल किए गए हैं? तो कुल 3 घटक शामिल किए गए हैं। एक तो किशोरी बालिकाओं के लिए पोषण सहायता, स्कूल पूर्व शिक्षा व देखभाल 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का, और प्रारंभिक प्रोत्साहन 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों का। आधुनिक उन्नत सक्षम आंगनबाड़ी बुनियादी ढांचा तैयार करना, यह है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, जो कि एकीकृत बाल विकास योजना और राष्ट्रीय पोषण मिशन दोनों का पुनर्गठन करके सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 की स्थापना की गई अगस्त 2022 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका आंगनबाड़ी केंद्र। ये जो हमारे भारत में आंगनबाड़ी केंद्र की जो शुरुआत है, ये हुई 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को एकीकृत बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत पूरे भारत भर में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई। 2 अक्टूबर जो कि महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस है, ठीक है। 2 अक्टूबर 1975 को आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत हुई। वर्तमान में यह सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के अंतर्गत संचालित है, ठीक है, क्योंकि समावेशन हो चुका है, पुनर्गठन हो चुका है, तो वर्तमान में ये जो है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत संचालित होता है। इस आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कुल 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कुल कितनी प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है, तो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कुल 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। एक है टीकाकरण, दूसरा है स्वास्थ्य जांच, तीसरा है संदर्भ सेवाएं, चौथा है पूरक पोषण, पांचवा है स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, और छठवा है स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। ये 6 प्रकार की जो आपका सेवाएं हैं, ये आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाती है। टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवा, पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा और शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। देखिए, ये जो वीडियो लेक्चर है ना, इस वीडियो लेक्चर को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। मैं वैसे तो ज़्यादा अपने वीडियो में बोलता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। चलिए देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कुल 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। अगर हम टीकाकरण की बात करें, तो टीकाकरण में गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, यानी कि ऐसी महिलाएँ जो बच्चे को जन्म देने वाली है, प्रेग्नेंट महिलाओं की बात की जा रही है, और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण, जो नवजात बच्चे हैं जिनका जन्म हाल ही में हुआ है, उनको प्रारंभिक टीकाकरण की आवश्यकता होती है। जैसे BCG का टीका लगता है, खसरा का टीका लगता है, ठीक है, पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है, तो ये टीकाकरण। गर्भवती माता यानी कि गर्भधारण जो महिलाएँ जो गर्भधारण की हुई है, ठीक है, जिनका डिलीवरी होने वाला है, उन्हें प्रारंभिक टीकाकरण प्रदान किया जाएगा, और जो नवजात बच्चे हैं जिनका हाल ही में जन्म हुआ है, उन्हें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। दूसरा, स्वास्थ्य जांच। गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का समय समय पर स्वास्थ्य जाँच करना। गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, धात्री माताओं का मतलब स्तनपान कराने वाली माताएं, ऐसी माता जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है और प्रारंभिक तौर पर वह बच्चे को स्तनपान करा रही है, तो उन्हें कहा जाता है धात्री माताएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, ठीक है। तो गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य जांच करना। संदर्भ सेवा, 0 से 6 वर्ष तक के कुपोषित, बीमार एवं जोखिम वाले बच्चे, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को संदर्भ सेवा प्रदान करना। संदर्भ सेवा को आप साधारण शब्दों में समझ सकते हैं, घर पहुंच सेवा। ऐसे बच्चे जो कि बीमार है, कुपोषित है, ऐसी माताएं जिनमें खतरों का लक्षण है, तो उन्हें घर पहुंच सुविधा या उनके साथ शासकीय अस्पतालों में जाकर के उनके स्वास्थ्य की जाँच कराने की सुविधा ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मितानिनों के माध्यम से किया जाता है, ठीक। पूरक पोषण आहार, ये आंगनबाड़ी केंद्र का सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है, आगे इसका हम डिटेलिंग करेंगे। पूरक पोषण आहार जो कि गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं और 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से। स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, 15 से 45 वर्ष आयु की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं एवं किशोरियां, इन्हें जो है स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा प्रदान करना। शाला पूर्व
अनौपचारिक शिक्षा यानी कि स्कूल में एडमिशन से पहले आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा यानी कि शाला, स्कूल में एडमिशन से पहले आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान किया जाता है, ठीक है, यानी कि खेल खेल के माध्यम से पढ़ाई। देखिए अगर हम आंगनबाड़ी केंद्रों की बात करें तो नवंबर 2022 तक की स्थिति में हमारे प्रदेश में कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी क्या होता है, आंगनबाड़ी का ही छोटा स्वरूप है आपका मिनी आंगनबाड़ी, ठीक है। नवंबर 2022 तक की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या थी 46,660। टोटल 46,660 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना स्वीकृत थी, जिसमें से नवंबर 2022 तक की स्थिति में हमारे प्रदेश में 46,140 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, ठीक। अगर मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की हम बात करें तो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हमारे प्रदेश में 5814 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना स्वीकृत थी, जिसमें से 5654 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, ठीक है। इतनी की तो स्वीकृति प्रदान किया गया, लेकिन नवंबर 2022 तक की स्थिति में 46,140 और 5654 46,140 आंगनबाड़ी और 5654 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। स्वीकृति कितनी प्रदान की गई और संचालित कितने हैं। अगर हम बात करें हमारे प्रदेश के 33 जिलों में से सर्वाधिक आंगनबाड़ी केंद्र जशपुर जिले में संचालित है, जबकि सबसे कम आंगनबाड़ी केंद्र नारायणपुर जिले में संचालित है। मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की बात करें तो इसमें भी सर्वाधिक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जशपुर जिले में और सबसे कम मिनी आंगनबाड़ी केंद्र मुंगेली जिले में संचालित है, ठीक। जनसंख्या मापदंडों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति यानी कि जनसंख्या के आधार पर कितने आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगर हम ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जहां की आबादी 400 से 800 है, ऐसे क्षेत्र विशेष जहां की आबादी 400 से 800 के आसपास आबादी है तो वहां पर एक आंगनबाड़ी केंद्र, 800 से 1600 की आबादी पर दो आंगनबाड़ी केंद्र, 1600 से 2400 की आबादी पर तीन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाएगी, ठीक है। जनसंख्या की बात हो रही है, जैसे कि कोई मोहल्ला हो गया, कोई मजरा हो गया, कोई टोला हो गया, जहां की आबादी 400 से 800 है तो उनकी उसमें एक आंगनबाड़ी केंद्र, 800 से 1600 की आबादी पर दो और 1600 से 2400 की आबादी पर तीन आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की बात करें तो 400 से कम आबादी यानी कि 150 से 400 की आबादी के लिए एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जाएगा। आदिवासी बहुल क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, ऐसे स्थानों पर 300 से 800 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी और 1500 से 300 की आबादी पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये जनसंख्या मापदंडों के आधार पर आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पूरक पोषण आहार, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कुल 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। इन 6 प्रकार की सेवाओं में से पूरक पोषण आहार आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सेवा है, ठीक है। देखिए पूरक पोषण आहार, ये जो पूरक पोषण है ये बच्चों को, कुपोषित बच्चों को, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को पूरक पोषण आहार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। ये भी 2 प्रकार से प्रदान होता है, एक 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य बच्चे, गंभीर कुपोषित बच्चे, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के लिए, और दूसरा है 3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चे। देखिए सबसे पहले 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चे, साथ ही साथ गर्भवती व शिशुवती माताओं के लिए टेक होम राशन, ठीक है, पोषक आधारित राशन जिसे घर लिया जा सकता है, टेक होम राशन प्रदान किया जाता है। गेहूं आधारित रेडी टू ईट फूड यानी कि पका हुआ भोजन, गेहूं आधारित रेडी टू ईट फूड जो कि जिसमें गेहूं होगा और गेहूं के साथ साथ रागी और मूंगफली का समावेशन होगा, ठीक है, रागी और मूंगफली का समावेशन होगा, गेहूं, रागी, मूंगफली, ये सभी के सभी पूरक पोषक है, ठीक है। तो देखिए 6 माह से 3 वर्ष आयु के बच्चे जो सामान्य है यानी कि उन्हें किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है, वो कुपोषित नहीं है, स्वस्थ बच्चे हैं, तो 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य बच्चों को 125 ग्राम पूरक पोषण प्रदान किया जाएगा।
जबकि 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे जो कि गंभीर कुपोषित है उन्हें 200 ग्राम पूरक पोषण प्रदान किया जाएगा और गर्भवती व शिशुवती माताओं को 150 ग्राम पूरक पोषण प्रदान किया जाएगा सप्ताह में 6 दिन। ठीक है, इसे भी याद रखना, सप्ताह में 6 दिन। अब देखिए, जो सामान्य बच्चे उन्हें 125 ग्राम और कुपोषित बच्चे यानी कि जो बच्चे बीमार है जिसमें पोषण की कमी है उन्हें ज्यादा पूरक पोषक की आवश्यकता होगी, तो इनसे 75 ग्राम ज्यादा। सामान्य बच्चों को 125 ग्राम और कुपोषित और गंभीर रूप से बीमार बच्चों को 200 ग्राम यानी कि 75 ग्राम ज्यादा इनसे, ठीक है, पूरक पोषण प्रदान किया जाएगा। गर्भवती माताएं, प्रेग्नेंट लेडीज, ठीक है, और आपका शिशुवती माताएं, इन्हें 150 ग्राम पूरक पोषक गेहूं आधारित रेडी टू ईट जिसमें रागी और मूंगफली का समावेशन होगा, ये पूरक पोषक प्रदान किए जाएंगे। प्रश्न पूछा जाएगा, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 माह से 3 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को कितना पूरक पोषक प्रदान किया जाता है, तो 200 ग्राम पूरक पोषक प्रदान किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सप्ताह में कितने दिवस पूरक पोषण प्रदान किया जाता है, तो सप्ताह में 6 दिवस पूरक पोषक प्रदान किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती व शिशुवती माताओं को कुल कितने ग्राम पूरक पोषक प्रदान किया जाता है, तो 150 ग्राम पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। ठीक, दूसरा है 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के सामान्य एवं गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे, इन्हें गर्म एवं पका हुआ भोजन प्रदान किया जाएगा। गर्म पका हुआ भोजन जिसमें रोटी, चावल, मिक्स दाल, सब्जी और गुड़ होगा। साथ ही साथ नाश्ता प्रदान किया जाएगा रेडी टू ईट जिसमें हलवा और पोहा दिया जाता है। ठीक है, ये दिया जाता है 65 ग्राम प्रतिदिन। कितना? 65 ग्राम प्रतिदिन। 65 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से सप्ताह में आपके 6 दिन प्रदान किया जाता है यानी कि 390 ग्राम 6 दिन में प्रदान किया जाता है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सूखा राशन का वितरण भी किया जाता है यानी कि ये जो आपका सूखा राशन जो है जो बच्चों को आवश्यक होता है अगले 6 दिन के लिए 390 ग्राम, तो सूखा राशन का वितरण किया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि महिला स्व सहायता समूह के द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखना। प्रश्न पूछा जाएगा, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य बच्चे हो या गंभीर कुपोषित बच्चे हो उन्हें 65 ग्राम प्रतिदिन प्रदान किया जाता है आपका पोषक। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े हुए कुछ योजनाओं पर हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ये सभी के सभी आपका सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत था। अब महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित हम योजनाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नंबर पर है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना या कुपोषण मुक्ति अभियान। यह हमारे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित योजना है। पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी 2 अक्टूबर 2019 को। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण तथा 15 से 49 वर्ष तक की महिलाओं में एनीमिया, एनीमिया जिसे आप खून की कमी के रूप में समझ सकते हैं, एनीमिया के स्तर को कम करना इस योजना का मुख्य रूप से उद्देश्य है। ठीक है, इसका संचालन, इस आपके मुख्यमंत्री सुपोषण योजना को आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत तथा स्व सहायता समूहों के माध्यम से बच्चों तथा महिलाओं को पौष्टिक गर्म भोजन, फल, सोयाबीन, अंडा, आयरन एवं कृमिनाशक दवाइयां आदियों का वितरण किया जाता है। ठीक है, जो बच्चे कुपोषित हैं उन्हें गर्म पका भोजन, फल, सब्जी, अंडा, और जो आपके एनीमिया से ग्रसित जो महिलाएं हैं 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के, उन्हें आयरन एवं कृमिनाशक दवाइयों का वितरण आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत एवं स्व सहायता समूहों के माध्यम से इस योजना के तहत किया जाता है। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 की बात करें यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सूचकांक 5, ठीक, इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 31.3% बच्चे कुपोषित है हमारे छत्तीसगढ़ में। और अगर महिलाओं की बात करें तो 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग के 60.5
8%, ठीक है, 60.8% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है। ये रिपोर्ट है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 2019-21 के आंकड़े हैं, जिसके आधार पर हमारे प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 31.3% कुपोषण, और आपका 15 से 59 वर्ष की जो आपकी महिलाएं हैं उनमें 60.8% एनीमिया से पीड़ित है, ठीक है। तो ये आंकड़े को थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट है सुचिता योजना। अब ये सुचिता योजना, प्रश्न पूछा जाएगा कि सुचिता योजना कब प्रारंभ हुआ, तो सुचिता योजना राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2017 को इस सुचिता योजना की शुरुआत की गई। अभी सुचिता योजना है क्या, अगर हम साधारण शब्दों में बात करें, ये सैनिटरी नैपकिन से संबंधित है, ठीक है, जो आपकी बालिकाएं और युवतियां और महिलाओं में जो मासिक धर्म आते हैं, ठीक है, उससे सुरक्षा के लिए जो सैनिटरी पेड वितरण किया जाता है उससे संबंधित है आपकी सुचिता योजना। दूरस्थ अंचलों की स्कूलों में किशोरी बालिकाओं को स्वच्छ एवं कम लागत पर, ठीक है, स्वच्छ एवं कम लागत पर सैनिटरी नैपकिन सुगमता से उपलब्ध कराना इस सुचिता योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना के अंतर्गत योजना प्रावधान के अनुसार प्रत्येक शाला महाविद्यालय में एक नग सैनिटरी वेंडिंग मशीन, एक नग भस्मक और 10,000 सैनिटरी पेड प्रदान किए जाने का प्रावधान है। यानी कि एक मशीन लगाया जाएगा जिसमें से जो है बालिकाएं और युवतियां जो उस मशीन से सैनिटरी पेड निकलेगा, सैनिटरी पैड के इस्तेमाल के बाद उसे डिस्पोज करने के लिए एक भस्मक लगाया जाएगा जिसमें उस पेड को डालने पर वो ऑटोमेटिक जल करके वो आपका डिस्पोज हो जाएगा, और साथ ही साथ इन शाला और महाविद्यालयों में 10,000 सैनिटरी पैड प्रदान किए जाने का प्रावधान है इस सुचिता योजना के तहत। अगर हम स्थिति की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 1100 लाख में से 1000 हाई स्कूल, सॉरी यहां 1100 होगा, एक बार ये डाटा चेक करना पड़ेगा, ठीक है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा नीचे तरफ कमेंट सेक्शन में, 1000 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूलों में सैनिटरी वेंडिंग मशीन एवं भस्मक में इकाइयां स्थापित की जाएगी। ये डाटा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इस डाटा को मैं नीचे कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा या टेलीग्राम चैनल में इसे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो इस प्रश्न पूछा जाएगा कि सुचिता योजना की शुरुआत कब हुई, ये शुरुआत हुई 24 जनवरी 2017 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। ये योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्वच्छ एवं कम लागत पर बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन सुगमता से प्रदान करना, ये शाला और महाविद्यालयों में इसमें एक नग सैनिटरी वेंडिंग मशीन, भस्मक और सैनिटरी पैड वितरित किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना की शुरुआत 2009 में हुई। देखिए ये सभी योजनाओं का ना सबसे पहले किस डेट को शुरू हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, ये सारे चीज मेन इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। क्या उद्देश्य है इससे ही प्रश्न आता है, कब शुरू हुआ इससे ही प्रश्न आता है, और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे चीज़ें एक बार में याद नहीं होती है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से नोट्स बनाते हुए चलना और थोड़ा बार बार रिविज़न करना, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी पास में है आपका, अभी आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन चल रहा है, उसके बाद मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर ही आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ तैयारी करते चलना। देखिए मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाइयां एवं आवश्यकता अनुसार बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराना इस मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना की शुरुआत वर्ष 2009 से हुई। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, जो बच्चे जो आपके बीमार है, कुपोषित है, ठीक है, जो गंभीर रूप से कुपोषित है, जो संकटग्रस्त बच्चे हैं, उन्हें क्या किया जाएगा, उनका चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाएगा, यानी कि मेडिकल टेस्ट, उन्हें चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाइयां प्रदान की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट,
आवश्यकता अनुसार बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श की सुविधा इस मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। यानी कि जो मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना है ये गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों की चिकित्सकीय सहायता से संबंधित है। ठीक है, संदर्भ दिवस प्रत्येक विकास खंड में माह में यानी कि एक महीने में दो दिन संदर्भ दिवस के रूप में चिन्हांकित करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि विकास खंड में जो है एक जगह अलॉट करके माह में दो दिन आपका संदर्भ दिवस आयोजित करके वहां पर चिकित्सकीय परीक्षण, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाइयों का वितरण और आवश्यकता अनुसार बाल रोग विशेषज्ञ का जो है परामर्श लिए जाने की सुविधा आपका बनाई गई है। यानी कि एक जगह एक विकास खंड में जो है एक जगह अलॉट किया जाएगा, एक जगह चिन्हांकित किया जाएगा जहां पर शिविर लगाया जाएगा, मेडिकल शिविर। ठीक, अगर हम बात करें कि इस मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के अंतर्गत क्या क्या सहायता प्रदान किया जाता है, तो निजी चिकित्सा परीक्षण संस्था में अधिकतम 300 रुपये की सीमा तक स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था रहेगी। यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एक हितग्राही को वर्ष में अधिकतम 500 रुपये की दवाइयां एवं आवश्यकता होने पर चिकित्सा अधिकारी के परामर्श पर इससे अधिक राशि की भी दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी। निजी शिशु रोग विशेषज्ञ की सेवा पर सम्मान स्वरूप, यानी कि कोई आपका प्राइवेट डॉक्टर जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ है अगर वह सेवा देता है अपनी, तो उसे 1,000 रुपये का मानदेय एवं 500 रुपये तक की यात्रा व्यय का प्रावधान किया गया है इस मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत। यानी कि वो डॉक्टर को पेमेंट किया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के अंतर्गत 2022-23 में अक्टूबर 2022 तक की स्थिति में 59,506 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये ऐसे शिविर लगाए जाते हैं मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के। ठीक, वजन त्यौहार, पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन त्यौहार की शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा वर्ष 2012 से आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन त्यौहार का आयोजन किया जाता है। वजन त्यौहार का आयोजन, ये 5 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाना इस वजन त्यौहार का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि स्वस्थ बच्चे का एक निर्धारित वजन होता है, उस निर्धारित वजन से अगर कम वजन है तो वो बच्चा कुपोषित है, उसे पूरक पोषक की आवश्यकता है। तो राज्य में आपका कुपोषण का स्तर क्या है, इसे जांचने के लिए जो है वजन त्यौहार का आयोजन किया जाता है। हमारे प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से वजन त्यौहार का आयोजन वर्ष 2012 से किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ भी प्रश्न है। ठीक है, 5 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाना इस त्यौहार का मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2022 के अनुसार प्रदेश में कुपोषण का स्तर 17.76% है। वजन त्यौहार 2022 के अनुसार हमारे प्रदेश में कुपोषण का स्तर 17.6% है। ठीक है, वजन त्यौहार, महिला एवं बाल विकास विभाग के वजन त्यौहार के अनुसार हमारे प्रदेश में कुपोषण का स्तर क्या है पूछा जाए, तो 17.76% हमारे प्रदेश में कुपोषण का स्तर है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 2.1% की कमी आई है। ठीक, अगर देखिए, अगर हम बात करें हमारे प्रदेश के जिलों में, तो सर्वाधिक कुपोषण दर सुकमा जिले में है और सबसे कम कुपोषण दर जो है ये मुंगेली जिले में है। ठीक, ये जब से वजन त्यौहार का आयोजन शुरू हुआ है तब से लेकर के अब तक वजन त्यौहार के आंकड़े दिए गए हैं, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015। अगर आप देखेंगे तो हमारे प्रदेश में जो है लगातार कुपोषण के दर में कमी आई है। पिछले वजन त्यौहार में था 19.86%, अभी है आपका 17.76%, 2.1% की कमी दर्ज की गई है। यही प्रश्न पूछा जाएगा कि वजन त्यौहार 2022 के आंकड़ों के अनुसार हमारे प्रदेश के में कुपोषण दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, 2.1% की कमी दर्ज की गई। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर कुपोषण दर है 32.1%, यानी कि भारत का। छत्तीसगढ़ का कुपोषण दर है 31.3%, जबकि कमी दर्ज की गई है इसमें 6.4% की। अब इसको लेके कंफ्यूज मत होना, देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 जो है ये 2019-21 के आंकड़े हैं और ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रश्न में
NFHS5 रिपोर्ट लिखा हुआ है, यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सूचकांक 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण का स्तर क्या है पूछेगा, तो वो है 31.3%। वजन त्योहार के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण का स्तर क्या है पूछेगा, तो ये है 17.76%। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है उसके हिसाब से आंसर लेना है, ठीक है, या कहीं पर भी 31.3 मत ले लेना और कहीं पर भी 17.76 नहीं लेना है। अगर उसमें वजन त्योहार का जिक्र आ रहा है तो आपका आंसर होगा 17.76%। अगर उसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट का जिक्र आ रहा है तो उसमें छत्तीसगढ़ में कुपोषण का स्तर होगा 31.3%। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति, मिशन शक्ति जो कि एक प्रकार का अम्ब्रेला योजना है, ठीक है, एक प्रकार का ये क्या है, अम्ब्रेला योजना। अम्ब्रेला का मतलब समझते हैं कि नहीं, अम्ब्रेला का मतलब होता है आपका छतरी, ठीक है, अभी बारिश का मौसम है, छतरी। तो अम्ब्रेला योजना का मतलब क्या है, इसके अंतर्गत एक आपका मुख्य योजना बनाया गया है, इस मुख्य, ये आपका क्या है, ये एक मुख्य योजना है, ठीक है, मेन स्कीम है, एक मुख्य योजना है, इस मुख्य योजना के अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं को इसके नीचे शामिल किया गया है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी योजनाओं को इसके अंतर्गत, इस एक योजना, एक मिशन के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो आपका मिशन शक्ति है इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2022 से। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, ये जो मिशन शक्ति है इसकी शुरुआत कब हुई, मिशन शक्ति की शुरुआत हुई आपका 1 अप्रैल 2022 से। इस मिशन शक्ति के अंतर्गत दो उपयोजनाएं हैं, एक है आपका संबल और दूसरा है आपका सामर्थ्य। संबल और सामर्थ्य ये आपको कहीं अलग से बताया नहीं गया है, यहां तक कि प्रशासनिक प्रतिवेदन में भी नहीं दिया गया है, इसको मैंने अलग से यहां पे बनाया है, ठीक है, ध्यान समझना। इसके अंतर्गत दो उपयोजनाएं शामिल है, एक है संबल और दूसरा है सामर्थ्य। संबल जो कि महिला सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु चलाए गए जो योजनाएं हैं, चलाई गई जो कार्यक्रम है, उसे संबल के अंतर्गत रखा गया है, जबकि महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं और जितनी भी कार्यक्रम संचालित है उसे सामर्थ्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि महिला सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन किया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका योजना संचालित है, महिला हेल्पलाइन नंबर संचालित है, इसे संबल के अंतर्गत रखा गया है। वैसे ही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, सखी सदन, शांति निकेतन, ये महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड योजनाएं हैं जिसे आपका सामर्थ्य के अंतर्गत रखा गया है, और इन सभी को एक अम्ब्रेला मिशन, आपका मिशन शक्ति के अंतर्गत इन सभी को शामिल किया गया है। तो मिशन शक्ति की शुरुआत कब हुई, 1 अप्रैल 2022 से, जिसके अंतर्गत कुल दो उपयोजनाएं संचालित है, संबल जो कि महिला संरक्षण और महिला सुरक्षा संबंधित है, सामर्थ्य जो कि महिला सशक्तिकरण हेतु संचालित है, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ये किससे संबंधित है, मिशन शक्ति सामर्थ्य से संबंधित है। सामर्थ्य का मतलब अभी हमने देखा था महिला सशक्तिकरण हेतु, ठीक है, महिला सशक्तिकरण हेतु जो योजनाएं संचालित है, जो कार्यक्रम संचालित है, उसे मिशन शक्ति सामर्थ्य के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो ये जो आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा ये मिशन शक्ति के किस उप योजना के अंतर्गत संचालित है, तो सामर्थ्य के अंतर्गत संचालित है। देखिए, ये लागू हुआ अखिल भारतीय स्तर पर 1 जनवरी 2017 से, महिला सशक्तिकरण हेतु ये आपकी योजना लाई गई। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म पर, इसको याद रखना, ठीक है, पहले जीवित जन्म पर आर्थिक सहायता प्रदान करना, माताओं को गर्भावस्था में समय गर्भावस्था के समय कार्य न कर पाने के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करना, पर्याप्त विश्राम एवं अच्छे पोषण हेतु भारत शासन द्वारा लागू की गई एक योजना है, ठीक है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म पर, ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई आपकी माता है जिसके 3-4 बच्चे हैं उनके लिए है ये योजना, ऐसा नहीं है, पहले जीवित जन्म पर, ठीक है, पहले बच्चे के जन्म देने पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है, अगर साधारण शब्दों में हम बात करें तो। देखिए,
ये केवल प्रथम जीवित जन्म के लिए ही यह योजना लागू होगी, ठीक है। अखिल भारतीय स्तर पर 1 जनवरी 2017 से यह योजना लागू हुआ। इसमें 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पहली किस्त 1,000 रुपये गर्भ के 150 दिनों के अंदर, यानी कि 150 दिन के अंदर। दूसरी किस्त 2,000 रुपये 180 दिन के अंदर। और तीसरी किस्त 2,000 रुपये प्रसव के बाद शिशु के प्रथम टीकाकरण पर, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर के जब गर्भवती माता अपने शिशु को पहला टीका लगाएगी, उसके बाद जो है 2,000 रुपये की राशि मिलेगी। तो 5,000 रुपये की राशि तीन किस्त पर, 1,000 रुपये गर्भ के 150 दिन के अंदर, दूसरी किस्त पर 2,000 रुपये 180 दिनों के अंदर, और तीसरी किस्त 2,000 रुपये प्रसव के बाद, यानी कि डिलीवरी के बाद शिशु के प्रथम टीका पर यह राशि प्रदान की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। द्वितीय बालिका के जन्म पर, अभी जो सरकार जो है भारत सरकार, ये द्वितीय बालिका के जन्म पर, प्रथम जीवित जन्म चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसमें अभी आपका 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अगर दूसरा बालिका का जन्म हो रहा है, अगर दूसरी जो संतान है वो बालिका जन्म ले रही है, तो उस कंडीशन में 6,000 रुपये एक मुश्त प्रदान किया जाएगा, यह प्रस्तावित है, ठीक है। अभी सरकार इस पर कार्य कर रही है, योजना बना रही है, अभी ये लागू नहीं है, ये प्रस्तावित है। अगर द्वितीय बालिका का जन्म होता है, पहली संतान चाहे बालक हो या बालिका हो कोई दिक्कत नहीं, उसमें 5,000 रुपये तो मिलेगा ही, लेकिन द्वितीय अगर बालिका का जन्म होता है तो 6,000 रुपये एक मुश्त प्रदान किया जाएगा। इस योजना पर सरकार काम कर रही है, इस प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत, ठीक है। देखिए, लाभान्वित वित्तीय वर्ष 2022-23 में अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक की स्थिति में प्रदेश में 62,461 हितग्राहियों को भुगतान किया गया है इस प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, ये किससे संबंधित है? ये महिला सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित है, यानी कि मिशन शक्ति संबल के अंतर्गत यह योजना शामिल है। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। देखिए, इस योजना का उद्देश्य क्या है? भारत सरकार द्वारा लिंगानुपात दर में आई कमी या गिरावट। लिंगानुपात क्या होता है, सेक्स रेशियो क्या होता है? प्रति हजार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या, या प्रति हजार बालक की तुलना में बालिकाओं की संख्या, यह कहलाता है आपका लिंगानुपात। तो भारत सरकार द्वारा लिंगानुपात में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन विभेद को समाप्त करना, बालिकाओं की उत्तर जीविका एवं उनकी सुरक्षा, बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना, ये जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियों को शिक्षा प्रदान किया जाए, इस उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। देखिए, इसके अंतर्गत जो चयनित जिले हैं, जितने भी जिलों का चयन किया जाएगा, उसे 50 लाख रुपये व्यय का, उन जिलों में 50 लाख रुपये व्यय का प्रावधान है भारत सरकार के द्वारा इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम औसत लिंगानुपात सेक्स रेशियो की बात करें तो वो है आपका 943, ठीक है। निम्न स्तर पर आने वाले पूरे देश में 100 चिन्हांकित जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लागू किया गया है, ठीक है। पूरे भारत भर में से 100 जिलों का चिन्हांकन किया गया है। अगर हम हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले को वर्ष 2015 में शामिल किया गया था, और बीजापुर जिले को वर्ष 2018 में इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शामिल किया गया, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रत्येक जिले में लागू किया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार ने जो है अपना एक टारगेट रखा था कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसे अखिल भारतीय स्तर पर सभी जिलों में लागू किया जाएगा, लेकिन लागू हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि वित्तीय वर्ष तो समाप्त हो चुका है 2022-23, अभी इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने निर्धारित किया था कि 2022-23 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रत्येक जिले में लागू किया जाएगा, यानी कि ओवरऑल भारत के सभी जिलों में। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले के बाद वर्तमान में बीजापुर जिले को मल्टी सेक्टोरल हस्तक्षेप जिले के रूप में चयनित किया गया है। प्रश्न पूछा जाएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश के कुल कितने जिले शामिल है, तो दो जिले, कौन कौन से? रायगढ़ और बीजापुर जिला, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जो कि मिशन शक्ति सामर्थ्य यानी कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसे मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक के रूप में इसे लागू किया गया। देखिए, ये वुमन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण संबंधित है, इसमें राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र यानी कि स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र की स्थापना किया जाना इस आपके हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के अंतर्गत किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं का अनुश्रवण, समीक्षा, समन्वयन तथा मिशन के कार्यों में सहयोग स्थापित करना, इस हेतु राज्य महिला सशक्तिकरण केंद्र और प्रत्येक जिलों में स्थापित होने वाले जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र में 8-8 पदों का प्रावधान है। यानी कि अभी इस पर कार्य चल रहा है, ये पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं ला रही है, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे वह राज्य सरकार हो, उसका अनुश्रवण करना, उसकी समीक्षा करना, यानी कि महिलाओं को उनका लाभ मिल रहा है कि नहीं, उसका समन्वयन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है आपका महिला सशक्तिकरण केंद्रों का। महिला सशक्तिकरण केंद्रों की स्थापना की जाएगी कहां कहां पर, एक राज्य स्तरीय और दूसरा जिला स्तरीय। अब इसमें ही प्रश्न पूछ सकता है कि महिला सशक्तिकरण केंद्रों की स्थापना किया जाना प्रावधानित है, तो राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, विकास खंड स्तरीय, जनपद स्तरीय, ऐसे 2-3 ऑप्शन देगा। तो राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर जिसे हमारे छत्तीसगढ़ में सखी नाम से जाना जाता है, मिशन शक्ति के संबल उप योजना के तहत इस वन स्टॉप सेंटर की स्थापना अखिल भारतीय स्तर पर की जा रही है। देखिए, ये जो आपका वन स्टॉप सेंटर है, इसे हमारे छत्तीसगढ़ में सखी नाम से जाना जाता है, भारत में, ठीक है, भारत में प्रथम वन स्टॉप सेंटर की स्थापना हमारे रायपुर में जुलाई 2015 में इस सखी वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम वन स्टॉप सेंटर की स्थापना कहाँ की गई, हमारे छत्तीसगढ़ में की गई। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में पहले सखी वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई। कब की गई, जुलाई 2015 में इस सखी वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई। अब ये जो आपका वन स्टॉप सेंटर जिसे हमारे छत्तीसगढ़ में सखी वन स्टॉप सेंटर के नाम से जानते हैं, ये घरेलू हिंसा यानी कि महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित है संबल। तो घरेलू हिंसा, लैंगिक हिंसा, बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, एसिड अटैक, डायन टोनी, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, अवैध मानव व्यापार, बाल विवाह, लिंग चयन, भ्रूण हत्या इत्यादि रूप में हिंसा समाज में विद्यमान है। वन स्टॉप सेंटर में सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी संप्रदाय की विवाहित, अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता महिला का मतलब क्या होता है, ऐसी महिला जिसके पति ने उसे छोड़ दिया है, बालिकाओं, 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं को भी इसमें शामिल किया गया है, को घर के भीतर अथवा घर के बाहर अथवा किसी भी रूप में पीड़ित व्यक्त संकटग्रस्त महिला को चिकित्सकीय, विधिक, मनोवैज्ञानिक सलाह, मानसिक चिकित्सा परामर्श, आवश्यकता अनुसार सुविधा सहायता, एक ही छत के नीचे सलाह सहायता मार्गदर्शन एवं संरक्षण प्रदान किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश के 27 जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित है, जो बाद में जो आपके जिले गठित हुए हैं, जैसे गुरिल्ला, पिंडरा, मरवाही, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ठीक है, सारंगढ़, बिलाईगढ़, आपका खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इसमें अभी ये कार्यवाहीधीन है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर अभी यह प्रस्तावित है, अभी इसकी स्थापना नहीं की गई है। तो सखी वन स्टॉप सेंटर क्या है, अगर साधारण शब्दों में हम बताएं तो महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित है, जहां पर महिलाएं कॉल करके अपने ऊपर हुए हिंसा,
ठीक है, घरेलू हिंसा हो या फिर आपका दहेज उत्पीड़न, एसिड अटैक, ये किसी प्रकार की अगर उसे कोई समस्या है, चाहे वो महिला किसी वर्ग की हो, किसी भी धर्म की हो, चाहे वो विवाहित हो, अविवाहित हो, विधवा हो, या उसके पति ने उसे छोड़ दिया, परित्यक्ता महिला हो या बालिका हो, वो सखी वन स्टॉप सेंटर में जो है आकर के अपना जो है विधिक सहायता ले सकती है, चिकित्सकीय सहायता ले सकती है, परामर्श ले सकती है। ये सारी सुविधा उन्हें प्रदान की गई है सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अगर हम देखें हमारे प्रदेश में, देखिए हमारे प्रदेश में चार जिले क्रमशः रायपुर, सरगुजा, बस्तर, दुर्ग में सखी वन स्टॉप सेंटर स्वयं के भवन में संचालित है। पांच जिलों यथा बालोद, बेमेतरा, रायगढ़, सुकमा और सरगुजा में सखी वन स्टॉप सेंटर का स्वयं के भवन का निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। यह 27 हमारे प्रदेश में टोटल 27 सखी केंद्र नवंबर 2022 तक की स्थिति में 35,255 दर्ज प्रकरणों में से 33,199 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। 13,001 प्रकरणों में पीड़िता को आश्रय भी प्रदान किया गया है। देखिए जो वन स्टॉप सेंटर है ना, इसमें 6 प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। पुलिस सहायता प्रदान करना, आपातकालीन सहायता प्रदान करना, कानूनी सहायता प्रदान करना, फोन करने पर परामर्श देना, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना और आश्रय सुविधा भी प्रदान करना। ये सारी सुविधाएं सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मिशन शक्ति संबल के अंतर्गत महिला हेल्पलाइन नंबर। देखिए संबल का मतलब महिला सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित। महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर है आपका 181। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा घटना के मामलों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर 181 का संचालन 2016 से प्रारंभ है। इस ईयर को भी याद रखना कि महिला हेल्पलाइन नंबर का संचालन कब से प्रारंभ है, 2016 से। नंबर क्या है, 181 नंबर, जो कि महिला हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका नोनी सुरक्षा योजना। नोनी सुरक्षा योजना जो कि राज्य में घटते बाल लिंगानुपात, बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए नोनी सुरक्षा योजना शीर्षक योजना दिनांक 1 अप्रैल 2014 से लागू किया गया। ठीक है, बाल लिंगानुपात और बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए राज्य शासन के द्वारा नोनी सुरक्षा योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2014 से की गई। नोनी सुरक्षा योजना किस तिथि से प्रारंभ हुआ पूछा जाए तो 1 अप्रैल 2014 से नोनी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है, प्रदेश में बालिकाओं की शैक्षणिक स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या रोकना, बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाना, बाल विवाह में रोकथाम करना। ठीक है, ये जो है इस नोनी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है। छत्तीसगढ़, देखिए इसके अंतर्गत लाभार्थी कौन होंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवार की 1 अप्रैल 2014 के उपरांत जन्मी अधिकतम 2 बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत जो पंजीकृत बालिका होगी, अगर 18 वर्ष तक उसका विवाह नहीं हुआ है और कक्षा 12वीं तक की शिक्षा उसने पूर्ण कर ली है तो उसे 1,00,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता इस नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार के द्वारा पंजीकृत बालिका के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में 5 वर्ष तक 5,000 रुपए की राशि अर्थात 25,000 रुपए विनियोजित किया जा रहा है। यह है नोनी सुरक्षा योजना, यानी कि जो आपका बेटियों से रिलेटेड, बालिकाओं से रिलेटेड जो आपके ये अपराध है, जैसे कि बालिका भ्रूण हत्या हो गया, बाल विवाह हो गया, बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज को जो है पॉजिटिव सोच लाना, उनमें जो है सकारात्मक विचार लाना, उनके भविष्य की आधारशिला रखना, ठीक है, उनके लिंगानुपात को बढ़ाना, इसके लिए जो है प्रदेश सरकार के द्वारा इस नोनी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई। इसमें जो पंजीकृत है, पंजीकृत बालिकाएं, पहली चीज तो ये कि इसमें लाभ किसको किसको मिलेगा, इसके अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है और गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं जिनका 1 अप्रैल 2024 के उपरांत जन्म हुआ है,
तो एक परिवार की अधिकतम दो बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, अधिकतम दो बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। पंजीकृत बालिका को बालिका के अगर 18 वर्ष तक, जब उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई है और उसका विवाह नहीं हुआ है तथा कक्षा 12वीं तक की शिक्षा उसने पूर्ण कर ली है, तो उसे 1,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत हमारे छत्तीसगढ़ में वर्ष 2005-06 से हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य के गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को पात्रता शर्तों के को पूर्ण करने पर विवाह कराया जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और नोनी सुरक्षा योजना, ये एक परिवार की अधिकतम दो बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, इसमें भी जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, इसमें भी जो है आपका ध्यान दीजिएगा, अधिकतम दो कन्याओं को जो है इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ मिलेगा। इसमें सहायता राशि के रूप में अधिकतम 50,000 रुपये प्रदान किया जाता है। पूरे का पूरा 50,000 रुपये राशि के रूप में नहीं मिलता, इसे भी अलग अलग डिवाइड किया गया है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, पहले ये राशि 25,000 रुपये थी, आपके बजट में घोषणा किया गया और यह राशि को 25,000 से बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें सूखे प्रभावित किसान में कन्या विवाह के लिए प्रति किसान 30,000 कन्या के मान से राशि का अंतरण किया जाएगा। देखिए, पहले जब यह राशि 25,000 थी तो सामान्य क्षेत्र में 25,000 रुपये का व्यय किया जाता था एक कन्या के विवाह पर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो सूखे से प्रभावित किसानों की कन्याओं के विवाह के लिए जब सामान्य परिवारों को 25,000 रुपये की सहायता मिलती थी, तब सूखा क्षेत्र के जो किसान है उनके परिवार की कन्याओं के लिए 30,000 रुपये का व्यय जो है प्रदेश सरकार करती थी। अभी जब यह राशि 50,000 हो गई है तो इसमें कितना अपडेट आया है इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ याद रखिएगा, 25,000 रुपये से यह राशि बढ़ा कर कितना कर दिया गया है, 50,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें वित्तीय वर्ष 2022-23 के अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक की स्थिति में टोटल 235 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ है इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत। देखिए, ये जनसंपर्क विभाग से लिया गया है ये डाटा, जिसमें 50,000 रुपये तक की जो व्यय है ये प्रदेश सरकार करेगी और किस प्रकार से करेगी यहाँ पर व्यवस्था भी दिया गया है। विवाह आयोजन व्यवस्था एवं परिवहन व्यय, जैसे कि प्रति कन्या 7,500 रुपये की सीमा के अधीन पंडाल भवन किराया प्रति जोड़ा, 20 अतिथियों के लिए भोजन नाश्ता इत्यादि, बैठक व्यवस्था पर व्यय, विवाह का फोटो प्रमाण पत्र, आकस्मिक व्यय, परिवहन व्यय, इसमें 7,500 रुपये खर्चा करती है। इसके अलावा उपहार सामग्री में बची हुई राशि व्यय करती है। उपहार सामग्री में यानी कि चांदी का मंगलसूत्र, वरवधु के लिए कपड़े, श्रृंगार सामग्री, जूते, चप्पल, चुनरी, साफा इत्यादि, वधु को यानी कि जो आपकी कन्या है उसे उसके ड्राफ्ट या बैंक खातों के माध्यम से 5,000 रुपये का कैश कन्या को मिलेगा। और अन्य उपहार के रूप में यानी कि अन्य उपहार में जैसे कि जैसे दहेज के सामान नहीं रहते, उस प्रकार से आपका जो है जो नवविवाहित जो दंपत्ति रहेंगे उन्हें आपका पलंग, सोफा यानी फर्नीचर, ऐसे अन्य जो उपहार है, सुझावात्मक सूची के अनुसार अधिकतम व्यय योग राशि 30,000 रुपये की होगी। तो इस प्रकार से प्रदेश सरकार 50,000 रुपये का जो व्यय है ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत करती है। अगर कैश के रूप में देखेंगे तो कैश के रूप में मात्र 5,000 रुपये की राशि ही मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना, इसकी घोषणा की गई थी प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2021-22 में। बजट 2021-22 में प्रदेश सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की घोषणा की गई थी, जबकि 7 मार्च 2022 को रायपुर के BTI ग्राउंड से इस योजना की शुरुआत की गई। द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राही इसके अंतर्गत पात्र होंगे। देखिए, जो कौशल्या मातृत्व योजना है ये पहले जन्म पर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पहले जन्म पर नहीं है, ये जो है द्वितीय पुत्री बालिका इसकी बात हो रही है। द्वितीय पुत्री के जन्म पर ही इसमें जो है आपके पात्र होगी महिला हितग्राही। सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र परिवार की माताओं को दिनांक 1 जनवरी 2022 के उपरांत जन्म लेने वाली द्वितीय संतान अगर बालिका है तो उसे कौशल्या मातृत्व योजना के तहत
5,000 रुपए की सहायता राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी प्रदेश सरकार के द्वारा। यह राज्य सरकार की एक योजना है। इस राशि से बच्चों का लालन पोषण शिक्षा में मदद प्राप्त होगा। इसके अलावा बेटियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार होगा। 5,000 रुपए की एकमुश्त राशि। प्रश्न पूछा जाएगा कि कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत कब हुई? मार्च 2022 से इसकी शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत पात्र कौन होंगे? ध्यान दीजिएगा, सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र परिवार की माताएं जिनमें जो है 1 जनवरी 2022 के उपरांत जन्म लेने वाली द्वितीय संतान अगर बालिका है तो, सेकेंड द्वितीय संतान बालिका है तब जो है उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। 5,000 रुपए की राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका नवाभिहान योजना। ये भी कुछ आपका सखी वन स्टॉप सेंटर से ही मिलता जुलता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 प्रावधानों के अनुरूप घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आवश्यकता अनुसार परिवहन, चिकित्सा, आश्रय, पुनर्वास, परामर्श सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रदेश में नवाभिहान योजना संचालित है, जिसके अंतर्गत स्वतंत्र संरक्षण अधिकारी एवं सेवा प्रदाता की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न पूछा जाएगा कि नवाभिहान योजना का संबंध किससे है? घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए है ये। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए हमारे प्रदेश में संचालित योजना है, जिन्हें आवश्यकता अनुसार परिवहन सुविधा, चिकित्सकीय सुविधा, आश्रय एवं पुनर्वास सुविधा, परामर्श सुविधा प्रदान किया जाता है नवाभिहान योजना के माध्यम से। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए हमारे प्रदेश में नवाभिहान योजना का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट है मेहरार चौमान योजना। मेहरार चौमान योजना जो है, मेहरार चौमान ये हल्बी भाषा का वाक्य है जिसका अर्थ होता है महिलाओं का सम्मान। ये जो है दंतेवाड़ा जिले में संचालित है। किशोरी और ग्रामीण महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड, ठीक है, निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण करना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। किशोरियों और महिलाओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना तथा उन्हें मासिक धर्म के बारे में विभिन्न भ्रांतियों के प्रति जागरूक कर गंभीर बीमारियों से निजात दिलाना, ठीक है, ये जो है इस मेहरार चौमान योजना का मुख्य उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। मेहरार चौमान योजना ये किस जिले में संचालित है? दंतेवाड़ा जिले में, जो कि किशोरी और ग्रामीण महिलाओं को निशुल्क सैनिटरी पैड वितरित करने के साथ साथ उनमें मासिक धर्म से जुड़ी हुई जो भ्रांतियां हैं, जो गलत फहमियां हैं, उसे दूर करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ महिला कोष की स्थापना हुई थी आपका 2 फरवरी 2022 को। महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधित कार्यों को बढ़ावा देने एवं महिला सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ महिला कोष की स्थापना 2 फरवरी 2002 को की गई। इसके अंतर्गत विधवा महिला, 35 से 45 वर्ष आयु वर्ग की अविवाहित महिला, कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिला और महिला स्व सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके अंतर्गत लाभार्थी होंगे। इसमें कुल मिलाकर के 3 योजनाओं को शामिल किया गया है। पहला योजना है ऋण योजना। ऋण योजना जो कि इस छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत ऋण योजना की स्थापना अगस्त 2003 को किया गया। महिला स्व सहायता समूह इसके अंतर्गत लाभार्थी होंगे। इसमें देखिए, प्रथम बार में अधिकतम 50,000 रुपये का ऋण, सफलतापूर्वक ऋण वापसी पर द्वितीय बार में 2,00,000 रुपये तक का ऋण 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाएगा। यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूहों को अगर उन्हें जो पहली बार 50,000 रुपये की राशि प्रदान की गई और उन्होंने 50,000 रुपये की राशि सफलतापूर्वक वापस जमा कर दी छत्तीसगढ़ महिला कोष में, तो दूसरे बार में उनकी जो ऋण की राशि है वो 50,000 से बढ़ाकर 2,00,000 रुपये कर दिया जाएगा 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, साधारण वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो ये ऋण योजना अगस्त 2003 छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत प्रारंभ किया गया, जो कि इसके अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह लाभार्थी होंगे। वैसे ही सक्षम योजना जो कि 2009-10 में लागू किया गया, इसमें विधवा महिला, 35 से 45 वर्ष आयु वर्ग की अविवाहित महिला, कानूनी तौर पर तलाक सुविधा महिला, इसके अंतर्गत लाभार्थी होंगे। व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु 1,00,000 रुपये तक का ऋण इस सक्षम योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ महिला कोष से प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना की स्थापना 2010-11 को किया गया।
विधवा महिला, 35 से 45 वर्ष आयु वर्ग की अविवाहित महिला और कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिला जिन्हें व्यावसायिक दक्षता प्रदान कर उनके उन्हें जो है स्वावलंबन बनाने के आधार हेतु आय उपार्जन गतिविधियों का प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है, यानी कि ये प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। ठीक है, तो ये तीनों को याद रखिएगा, स्वावलंबन योजना, सक्षम योजना, ऋण योजना, इसमें जो है ये छत्तीसगढ़ महिला कोष से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका संस्कार अभियान। संस्कार अभियान जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित है, एक बार का प्रश्न पूछा गया था संस्कार अभियान किस विभाग के द्वारा संचालित है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है आपका संस्कार अभियान। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा प्रदान हेतु संस्कार अभियान की शुरुआत की गई। प्रारंभिक बाल्यावस्था के सभी उप अवस्थाओं अर्थात गर्भावस्था, यानी कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात हो रही है उसमें गर्भावस्था, जन्म से 3 वर्ष एवं 3 से 6 वर्ष आयु के समूहों को शामिल किया गया है। इस अभियान के तहत क्षमता विकास, संसाधन सामग्री का विकास, वातावरण निर्माण, अनुश्रवण तंत्र, गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदाय संबंधित घटकों को शामिल किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से शाला पूर्व शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु बाल केंद्रित एवं आयु आधारित पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं। ठीक है, तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था से संबंधित एक योजना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। अब ये देखिए, एक है आपका नोनी सुरक्षा योजना और ये है नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। इसकी शुरुआत 1 मार्च 2022 को दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक से इसकी शुरुआत की गई। देखिए, ये छत्तीसगढ़ श्रम विभाग द्वारा संचालित है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित नहीं है, छत्तीसगढ़ श्रम विभाग द्वारा संचालित है। इसमें श्रमिक परिवार की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। श्रमिक परिवार के प्रथम 2 बेटियां जिनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और 21 वर्ष से अधिक ना हो अथवा वह अविवाहित हो, उन्हें 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता एकमुश्त प्रदान की जाएगी। इसमें जो है पंजीकृत श्रमिक परिवार होना आवश्यक है। ये मुख्यतः श्रमिक परिवारों के लिए, गरीब या बीपीएल परिवारों के लिए नहीं है, श्रमिक परिवारों के लिए योजना है मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, जिसमें 20,000 रुपए की राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, महिला आश्रय एवं संरक्षण। महिलाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए कुछ आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं, जैसे कि एक है आपका सखी निवास। सखी निवास का संचालन पूरे भारत भर में, केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत भर में। देखिए, महिला आश्रय एवं संरक्षण संबंधित है, ये महिला शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो मुख्य अम्ब्रेला मिशन है, इसका संचालन पूरा भारत भर में वर्ष 1972-73 से किया जा रहा है। इसमें कामकाजी महिलाओं को आश्रय प्रदान किया जाता है, यानी कि ऐसी महिलाएं जो कि अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में रह करके कार्य कर रही है, तो उन्हें आश्रय देने के लिए सखी निवास की स्थापना की गई है। कामकाजी महिलाओं के लिए आश्रय सुविधा है आपका सखी निवास, पूरे भारत भर में 1972-73 से इसका संचालन किया जा रहा है। शक्ति सदन जो है ये एक नया योजना है, ध्यान समझिएगा, इसके अंतर्गत उज्ज्वला गृह योजना और स्वधारा योजना, ये 2 अलग अलग योजनाएं संचालित होती थी, इन दोनों योजनाओं को समावेशित करके एक नया, यानी कि इन दोनों आपका जो आश्रय गृह है, ठीक है, योजना नहीं आश्रय गृह, पहले उज्ज्वला गृह योजना चलता था जिसके अंतर्गत आश्रय गृह बनाया जाता था और दूसरा चलता स्वधारा गृह योजना, इन दोनों को समावेशित करके शक्ति सदन की स्थापना की गई। ये सदन वर्तमान में अगर हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरबा, कोरिया, बिलासपुर और सरगुजा जिले में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से इसका संचालन किया जा रहा है। स्वैच्छिक संगठन का मतलब एनजीओ की बात होती है, ठीक है, ये स्वैच्छिक संगठन है। आश्रय संकटग्रस्त महिलाओं, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत, परित्यक्तता को आश्रय एवं सहारा प्रदान करने, बच्चों तथा महिलाओं की मानव तस्करी एवं व्यावसायिक यौन शोषण से पीड़ितों के बचाव एवं पुनर्वास के लिए शक्ति सदन की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है नारी निकेतन। हमारे प्रदेश के 3 जिलों में नारी निकेतन की स्थापना की गई है, रायपुर, सरगुजा और दंतेवाड़ा। इसमें 16 वर्ष से अधिक आयु की अनाथ कन्याओं, विधवा, निराश्रित, परित्यक्तता, अविवाहित माताओं, तिरस्कृत एवं बेसहारा समाज से प्रताड़ित महिलाओं को आश्रय प्रदान किया जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा हमारे प्रदेश के कितने जिलों में आपके नारी निकेतन की स्थापना की गई है, 3 जिलों में। कितने जिले में जो है आपका शक्ति सजन संचालित है, 4 जिलों में, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका
मिशन वात्सल्य योजना ये बच्चों के लिए है, ठीक है। अभी तक हम महिलाओं का पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे बच्चों का। मिशन वात्सल्य योजना देश के प्रत्येक बच्चों के लिए स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, ये मिशन वात्सल्य योजना का मुख्य उद्देश्य है। पहले इसका नाम था आपका बाल संरक्षण सेवा योजना 2017 तक, बाद में इसका नाम परिवर्तित करके इसे मिशन वात्सल्य नाम दिया गया वित्तीय वर्ष 2021-22 से। यह देश में बाल संरक्षण सेवाओं हेतु एक अम्ब्रेला योजना है, ठीक है। जितने भी बाल संरक्षण संबंधित योजनाएं चल रही है उसके लिए एक प्रकार का ये क्या है, अम्ब्रेला योजना, एक मुख्य मिशन है जिसके अंतर्गत अन्य बाल संरक्षण योजनाओं को शामिल किया गया है। इसमें बच्चों के विकास के लिए एक संवेदनशील सहायक एवं समकालीन पारिस्थितिकीय तंत्र को बढ़ावा देना, किशोर न्याय बालकों के देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 ये भी याद रखना, ये आपका अधिनियम कब लागू हुआ था, किशोर न्याय बालकों के देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015, ठीक है, के अधिदेश को वितरित करने में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करना। इसके अंतर्गत हितग्राही कौन कौन होंगे, देखरेख एवं संरक्षण आवश्यकता वाले बच्चे, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे तथा किशोर, सड़क पर रहने वाले बेघर एवं परिवार रहित बच्चे, विपदाग्रस्त बच्चे, बाल यौन शोषण का शिकार बच्चे, अनाथ अपरिपक्व घुमंतु तथा निराश्रित बच्चे, बाल श्रमिक, कठिन परिस्थिति में कार्यरत कामकाजी बच्चे एवं नशा करने वाले बच्चों को इस आपके मिशन वात्सल्य के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। ये कैटेगरी है, बस इसमें याद रखना कि मिशन वात्सल्य की शुरुआत कब हुई, ये हुई वित्तीय वर्ष 2021-22 से, ठीक। नेक्स्ट देखिए विशेष पहल, अब इसको थोड़ा ध्यान समझना, ये जो बाल विकास और बाल संरक्षण से संबंधित कुछ विशेष पहल है। सबसे पहले नंबर पर एक संस्था है जिसका नाम है उम्मीद। उम्मीद इसे आप संस्था भी बोल सकते हैं, इसे आप योजना भी बोल सकते हैं, योजना बोले तो ज़्यादा बेटर है या पहल बोले तो ज़्यादा बेटर है। ये ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम है जिसमें बच्चों को शैक्षणिक विकास को सकारात्मक एवं सुविधाजनक बनाने के लिए इस उम्मीद कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ठीक है। इस उम्मीद कार्यक्रम या इसे योजना लिख लेना, ठीक है। ये क्या है, ये ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम से संबंधित है। इसमें सहयोग प्रदान करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बायजूस, आपने तो नाम सुना ही होगा, एक यूनिकॉर्न भी है आपका बायजू, तो यूनिकॉर्न आपका बायजू एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का। बायजूस के द्वारा कक्षा 4 से 12वीं तक शैक्षणिक सामग्री एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। HDFC बैंक के द्वारा 78 बाल देखरेख संस्थानों में स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराया गया है। ये क्या है, ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका उजियार कार्यक्रम जो है ये विधि से संघर्षरत बच्चों हेतु संचालित किया गया है। बाल देखरेख संस्थानों में निवासरत बालकों को ऊर्जा एवं सकारात्मक दिशा देने के लिए उजियार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे प्रदेश के जगदलपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर के बाल संप्रेषण गृह, विशेष गृह, प्ले ऑफ सेफ्टी में रायपुर जिले के बाल संप्रेषण गृह, प्ले ऑफ सेफ्टी में उजियार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यानी कि ऐसे बच्चे जो किसी न किसी क्राइम में थे, ठीक है, जिस कारण से उन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया, जो अवयस्क बच्चे होते हैं उन्हें जेल में नहीं डाला जाता, उन्हें डाला जाता है बाल सुधार गृह में। तो बाल देखरेख संस्था में निवासरत बालकों को सकारात्मक दिशा देने के लिए, यानी कि भटके हुए जो बच्चे हैं उन्हें एक दिशा प्रदान करने के लिए, उन्हें सही मार्ग बताने के लिए उजियार कार्यक्रम चलाया जाता है। तो हमारे प्रदेश के आपके जगदलपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और रायपुर, ठीक है, 5 संभाग मुख्यालय में ये उजियार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखिए उमंग कार्यक्रम जो कि पोषण देखरेख कार्यक्रम है। क्या है, पोषण देखरेख कार्यक्रम से संबंधित है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 यथा संशोधन 2021 तथा भारत सरकार द्वारा जारी फॉस्टर केयर गाइडलाइन 2022 के प्रावधान के अनुसार पोषण देखरेख कार्यक्रम है आपका उमंग जो कि यूनिसेफ रायपुर छत्तीसगढ़ के सहयोग से चलाया जा रहा है। 10 जिलों में यह संचालित है। 5 संभाग मुख्यालय कौन कौन से है, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर में, तथा संभागीय मुख्यालय के निकटवर्ती जिले, दुर्ग संभाग का निकटवर्ती राजनांदगांव, ठीक है, रायपुर का निकटवर्ती धमतरी, बिलासपुर का निकटवर्ती कोरबा, रायगढ़ और आपका बस्तर का निकटवर्ती कांकेर। तो टोटल 10 जिलों में यह संचालित है, ठीक। नेक्स्ट है बाल सक्षम नीति।
बाल सक्षम नीति के अंतर्गत सड़क जैसी परिस्थितियों में बिना किसी सहयोग के अकेले रहने वाले, सड़क जैसी परिस्थितियों में अपने परिवार के साथ रहने वाले तथा दिन में सड़क जैसी परिस्थितियों में और रात में अपने परिवार के साथ घर के पास झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण से संबंधित है आपका बाल सक्षम योजना। ये मुख्यतः सड़क पर रहने वाले बच्चों की बात हो रही है। बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण तथा पुनर्वास के लिए पुनर्वास नीति 2022 लागू की गई है। ये पिछले साल आपके 2022 में ये बाल सक्षम नीति पुनर्वास नीति के रूप में लागू की गई, इसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना, ये तो आपका आर्थिक सर्वेक्षण का भी टॉपिक है, बच्चों की शिक्षा से संबंधित योजना है, हमारे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाई जा रही योजना। जैसे कि आस्था, आस्था जो है ये नक्सल हिंसा में अनाथ हुए बच्चों के लिए एक आवासीय गुरुकुल व्यवस्था है। गुरुकुल क्या होता है, जहाँ पे बच्चे अपने घर से दूर गुरुकुल में एक अपने आचार्य के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो कहलाता है आपका गुरुकुल। यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ आवास, भोजन, खेल, मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान की जाती है। कक्षा एक से लेकर के 12वीं तक की निशुल्क सहायता प्रदान की जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आपका आस्था संस्था संचालित है। वर्ष 2007 में इसे प्रारंभ किया गया, वर्तमान में 2004 बालक एवं कन्या इससे लाभान्वित है। नेक्स्ट है हिंसा। हिंसा जो है ये नक्सल हिंसा से प्रभावित आपके नक्सल हिंसा से प्रभावित क्षेत्र में निष्ठा संस्था संचालित है, जो कि छत्तीसगढ़ शासन और एनजीओ के माध्यम से चलाया जा रहा है। कक्षा 1 से 12वीं तक की निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश दिलाना, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में निशुल्क प्रवेश दिलाया जाता है इस निष्ठा संस्था के माध्यम से। शैक्षणिक शुल्क का 25% निजी संस्थानों को प्रतिपूर्ति के रूप में भी दिया जाता है राज्य शासन के द्वारा। राजनांदगांव और रायपुर में यह निष्ठा संस्था का संचालन किया जा रहा है। पहला निष्ठा संस्था राजनांदगांव जिले में स्थापित किया गया, वर्तमान में 81 अभ्यर्थी इसके अंतर्गत अध्ययनरत है। नेक्स्ट है आपका प्रयास। प्रयास से एग्जाम में बहुत बार का क्वेश्चन बना हुआ है। नक्सल हिंसा से प्रभावित क्षेत्र में यह लागू किया गया है। प्रदेश में प्रभावित 16 आपके जो नक्सल प्रभावित जिले हैं उसके 10वीं उत्तीर्ण छात्रों के लिए यह योजना लागू की गई है। इसमें आवासीय विद्यालय 11-12 के लिए आवासीय विद्यालय, देखिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तो यह लागू है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो 16 नक्सल प्रभावित जिले हैं उसमें 10वीं उत्तीर्ण छात्र ही इस आपके निष्ठा सॉरी प्रयास संस्था में शामिल हो सकते हैं। इसमें 11-12 की पढ़ाई के लिए आवासीय विद्यालय प्रदान किया जाएगा, साथ ही साथ विशेष कोचिंग सुविधा, IIT, JEE, PET, NEET, CLAT, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी की जाती है, कराई जाती है इस प्रयास संस्था के माध्यम से। रायपुर में 2, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, कांकेर, कोरबा और जशपुर में, यानी कुल 9 स्थानों में प्रयास संस्था संचालित है, ठीक है। 26 जुलाई 2010 को रायपुर की गुढ़ियारी से इस प्रयास संस्था की शुरुआत हुई थी। इसमें अब तक 4,144 छात्र लाभार्थी है। अगर हम सहयोग की बात करें तो सहयोग संस्था नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करता है। दंतेवाड़ा जिले जो है इसका जिला मुख्यालय है, दंतेवाड़ा इसका जिला मुख्यालय है इस सहयोग का। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 12वीं उत्तीर्ण जो छात्र है उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करता है आपका सहयोग संस्था। नेक्स्ट है आपका उड़ान। उड़ान जो कि मुख्य रूप से बैगा जनजाति के लिए संचालित एक योजना है हमारे प्रदेश में, निजी क्षेत्र के स्कूलों में प्रवेश। बैगा जनजाति जो कि आपके मैकाल पर्वत श्रेणी में निवास करती है, बैगा जनजाति के बच्चों को निजी क्षेत्र के स्कूलों में प्रवेश दिलाना इस उड़ान योजना का या इस उड़ान संस्था का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है एकलव्य। अनुसूचित जनजाति विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति की जो है इस एकलव्य संस्था में शामिल होते हैं, जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर आवासीय विद्यालय की स्थापना कक्षा 6 से 12वीं तक, ये आपके एकलव्य विद्यालय, जैसे कि आपका अखिल भारतीय स्तर पर जवाहर विद्यालय चलता है, जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि एक आवासीय विद्यालय है जिसमें कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक के बच्चों का शिक्षण होता है। तो वैसे ही अनुसूचित जाति और विशेष रूप से जो पिछड़ी हुई जनजाति के बच्चों के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। हमारे प्रदेश में कुल 74 एकलव्य आवासीय विद्यालय है दिसंबर 2022 तक की स्थिति में, जिसमें से 10 कन्या, 6 बालक और 58 संयुक्त। तो कुल 74 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय 24 जिलों में संचालित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका बाल पुरस्कार, ठीक है। हमारे प्रदेश में प्रदान किए जाने वाले कुछ केंद्र और राज्य शासन द्वारा दिए जाने वाले बाल पुरस्कारों की बात हो रही है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें सब चीज़ नहीं पढ़ना है,
कुछ चीज बस ध्यान देना कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो कि केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेशन सामाजिक सेवा शैक्षणिक खेल कला संस्कृति एवं बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण एवं सराहनीय उपलब्धियों के लिए, ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष आयु तक के बच्चों को, जो अंडरलाइन कर रहा हूं उसे मेन ध्यान देना, 5 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रदान किया जाता है। इसमें प्रत्येक बच्चों को एक पदक दिया जाएगा और 1,00,000 रुपए का नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र व अन्य उपहार प्रदान किए जाते हैं। ठीक, तो यह है आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जिसके तहत 1,00,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। दूसरा है राज्य वीरता पुरस्कार, ये तो केंद्र सरकार का आपका पुरस्कार हो गया, ये राज्य सरकार का पुरस्कार। इसके तहत जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत बच्चों को किसी विशेष बच्चों को किसी घटना विशेष में उनके द्वारा प्रदर्शित असाधारण साहस बुद्धिमत्ता के लिए पुरस्कृत करने हेतु राज्य वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें देखिए, वर्तमान में बाल कल्याण परिषद के माध्यम से प्रदाय किया जा रहा है पुरस्कार के तहत चयनित बालकों को 15,000 रुपए की राशि, राज्य वीरता पुरस्कार के तहत 15,000 रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य वीरता पुरस्कार हेतु 2 बच्चों क्रमशः कुमारी जुम्बाबत्ती भुआर्य कांकेर जिला और कुमारी छाया विश्वकर्मा महासमुंद जिले का चयन हुआ था। नेक्स्ट है शौर्य सम्मान से सम्मानित बालक एवं बालिकाएं, राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार और राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित बालक एवं बालिकाओं को अध्ययन के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति नियम लागू किए गए हैं। पुरस्कार प्राप्त बालक बालिकाओं को स्कूल शिक्षा के दौरान 500 रुपये प्रति माह, महाविद्यालय शिक्षा के दौरान 1,000 रुपये प्रति माह और तकनीकी शिक्षा मेडिकल इंजीनियरिंग के दौरान 1,500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नारी शक्ति पुरस्कार, इसे बस ये याद रखना कि नारी शक्ति पुरस्कार के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में 2,00,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 8 मार्च राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार अधिकतम 8 महिलाओं को दिया जाता है। कथन आधारित प्रश्न बन सकता है, पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेना। भारत शासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं, विशेषकर कमजोर एवं साधन विहीन महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण, नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित करना, महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने एवं सकारात्मक कार्य, परंपरागत एवं गैर परंपरागत क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास को प्रोत्साहित करना, विज्ञान तकनीकी खेल कला सांस्कृतिक सुरक्षा एवं संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य, स्वास्थ्य एवं कल्याण, शिक्षा कौशल विकास एवं महिलाओं के सम्मान इत्यादि क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान, उत्कृष्ट कार्य के लिए महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। इसमें व्यक्तिगत रूप से 2,00,000 रुपए की राशि प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दिया जाता है और अधिकतम 15 महिलाओं को यह पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है। ये तो हो गया भारत शासन का पुरस्कार। अब हमारे छत्तीसगढ़ शासन की अगर हम बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में मिनी माता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राज्य शासन के द्वारा महिलाओं विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के एक महिला स्वैच्छिक संस्था को मिनी माता महिला उत्थान प्रदान किया जाता है। इसके तहत 2,00,000 रुपए की राशि प्रशस्ति पत्र सम्मान प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मिनी माता सम्मान डॉक्टर मीरा शुक्ला जिला सरगुजा को प्रदान किया गया है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि मिनी माता राज्य अलंकरण पुरस्कार मिनी माता सम्मान के तहत कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है, 2,00,000 रुपए की राशि। ठीक है, तो ये था आपका छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 का एक सार जो कि आपको पढ़ना है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, आपको लिख करके बता रहा हूँ। देखिए, अगर पूछा जाए कि वर्तमान में महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री कौन है, ठीक है, इसके मंत्री कौन है पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, श्रीमती अनिला भेड़िया, ठीक है। आप सभी को पता होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित टोटल 13 मंत्रियों का कैबिनेट है, ठीक है, कुल 13 मंत्रियों का कैबिनेट है। उन 13 मंत्रियों में से
आपका श्रीमती अनिला भेड़िया एक कैबिनेट मंत्री है, उनके पास महिला एवं बाल विकास विभाग है। श्रीमती अनिला भेड़िया जिनके पास महिला एवं बाल विकास विभाग की एक कैबिनेट मंत्री है, इनका नाम याद रखना है। दूसरा, अब आयोग की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग जो महिलाओं के संरक्षण एवं सशक्तिकरण संबंधित है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग जिसमें एक अध्यक्ष प्लस चार सदस्य होते हैं, ठीक है। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है पूछा जाए तो डॉक्टर किरणमयी नायक, डॉक्टर किरणमयी नायक, ठीक है। वैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नाम से ही स्पष्ट है बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित आयोग, ठीक है। इसमें भी जो है आपका एक अध्यक्ष और चार सदस्य हैं। इनके अध्यक्ष का नाम है श्रीमती तेज कुंवर नेताम, श्रीमती तेज कुंवर नेताम, ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है। डॉक्टर किरणमयी नायक जो कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में भी एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की स्थापना 24 मार्च 2001 को हुई, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई पूछा जाए तो 24 मार्च 2001 को इस छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन किया गया, जबकि 16 जून 2010 को इस छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया। तो इसको थोड़ा सा पढ़ के रखना। वर्तमान में छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया जी, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, दोनों में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्रीमती तेज कुंवर नेताम। इसका आपका महिला आयोग का गठन कब हुआ पूछा जाए तो 24 मार्च 2001 को, और बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ तो 16 जून 2010 को इसका गठन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर होता है आपका टॉपिक समाप्त, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, किसी प्रकार का कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक।